कोटा के कुन्हाड़ी लैंडमार्क के आदर्श हॉस्टल में आग लगने के मामले में जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो 7 दिन में उच्च अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें जांच कमेटी में जयपुर से जोनल चीफ इंजीनियर आर के जीनवाल, एससी आर के शर्मा के साथ कोटा के एससी शिव चरण लाल जांगिर, एक्सीएन मोहन लाल गुप्ता, केडीएल के अनु मित्रो डाली को सदस्य बनाया है जो इस पूरे प्रकरण की जाँच करेंगे। दरअसल इस पूरे मामले में यह बताया जा रहा है कि हॉस्टल के भूतल में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जिससे शॉर्ट सर्किट से आग लगी और यह बड़ा हादसा हुआ। 5 सदस्यीय कमेटी जांच के दौरान पूरी पड़ताल करने के साथ यह भी देखेगी कि ट्रांसफार्मर नियमों के तहत लगा हुआ था या नहीं और अचानक भीषण आग लगने के क्या कारण रहे।